गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा न्यू ब्लॉग, और आज मैं ब्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं आफ्टरनून से वीडियो स्टार्ट की हूँ, और सुबह से मैं कोई ब्लॉग नहीं स्टार्ट की, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह ही उठी थी, यानी कि 7:30 बजे ही। उसके बाद में उठने के बाद काम वगैरह की, झाड़ू पोछा और शावर वगैरह ली, और मुझे जाना था मंदिर, तो हम लोग मंदिर वगैरह गए। और आप देख सकते हो यहाँ मैं साड़ी आज डाली हुई हूँ। और मंदिर से आने के बाद लेट भी हो रहा था, तो मैं इनको नाश्ता वगैरह बना के दी, और उसके बाद ये ऑफिस निकल गए। फिर मैं जाके थोड़ा फ्री हुई थी, फिर बगल में चली गई, तो बगल में पूजा वगैरह था तो वहाँ चली गई, वहाँ 1 घंटा लग गया, तो इसके वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और मैं 4:30 बज रहे हैं, और अभी मैं वीडियो फिर मैंने अभी वीडियो स्टार्ट किया है। और आज मैं लाई थी नॉन स्टिक वाला, और मैं अभी तक इसको यूज भी नहीं किया है, और ना ही अभी वो ओपन की हूँ। और आज महाशिवरात्रि है, तो मैं आज भोग लगाने के लिए खीर बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको कढ़ाई दिखाती हूँ, और इसी कढ़ाई में मैं पहले कढ़ाई, जैसे कोई सामान नया नया आता है तो सब पहले मिठाई बनाते हैं, तो मैं भी चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और उसके बाद इसमें मैं बनाऊँगी खीर। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड मैं आप लोगों को कढ़ाई ओपन करके दिखाती हूँ, तो आप देख लीजिए। पहले हम देख चुके हैं, क्योंकि मैं तो पसंद करके ही लाई थी, ब्लैक और रेड में है, तो कुछ इस तरीके का रहा। और हमारे पास वैसी कढ़ाई थी, पर नॉन स्टिक वाला नहीं था, और मुझे वीडियो वगैरह भी शूट करना रहता है, तो इसके वजह से मैं कढ़ाई लेके आई। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, और कढ़ाई, और ये थोड़ा बड़ा भी है, हमारे 2 लोगों के लिए तो काफ़ी बड़ा है, पर कोई नहीं, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ गए या फैमिली मेम्बर ही आ गए। और इसके साथ ये जूना भी दिया है, जो बर्तन धुलने के लिए, और ये सॉफ्ट है। और इस कढ़ाई के साथ स्टिक भी मिला था, जो कि आप देख सकते हो। और एक मैं अलग से भी स्टिक ली थी, क्योंकि ये बहुत हल्का सा था, तो अलग से भी उन्होंने, भैया ने दिया था। और ये रहा इसका ढक्कन, जो कि कांच का है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं कांच वाला ही ले ली। स्टील का था, पर मैं कांच का ही ली हूँ। और ये रही मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई। अब मैं आज इसमें बनाऊँगी मीठा, महाशिवरात्रि का दिन है, तो मैं सोच रही हूँ आज कढ़ाई का भी उद्घाटन कर दूँ, और इसमें मीठा बना के। तो चलिए, यहाँ आप देख सकते हो मैं कढ़ाई को धुल ली हूँ, थोड़ा सा वॉश कर ली हूँ। तो चलिए मैं अभी इसमें पहले दूध रख देती हूँ, दूध बॉयल हो जाए। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुका था, तो इसमें मैं 1 गिलास दूध डाल दी, पहले का था, और 1 थैली, मतलब यहाँ कुल मिला के 1 लीटर दूध था, जो कि मैं खीर बनाने के लिए ली हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं थैली को फाड़ के डाल देती हूँ, और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा कर लूँगी। बीच बीच में चलाते रहना है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आगे। यहाँ मैं सारे दूध को डाल दी हूँ, और इसके बाद इसमें एक उबाल आ जाएगा, तब मैं इसमें डालूँगी चावल, जो कि चावल मैं 15 मिनट पहले ही वॉश करके रख दी हूँ, थोड़ा सा फूल जाए। तो चलिए, यहाँ मेरा दूध जब तक उबल रहा है, तब तक मैं ड्राई फ्रूट कट कर लेती हूँ, जो ड्राई फ्रूट मेरे पास है। तो फाइनली यहाँ मेरा ड्राई फ्रूट कट के तैयार हो चुका है, और बीच में मैं दूध को भी थोड़ा बहुत हिलाते रहना है, क्योंकि नीचे लग ना जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ फाइनली दूध में एक उबाल आ चुका है, और मैं जो वॉश करके चावल रखी हूँ, आप देख सकते हो यहाँ मैं पहले से वॉश करके चावल रख ली हूँ। ये घर का ही चावल है, छोटा छोटा वाला जो होता है। तो फाइनली मैं दूध में डाल देती हूँ, देख सकते हो इसको बीच बीच में इसी तरह चलाते रहना है, नहीं तो दूध लग जा रहा है, लग जाएगा, इसके वजह से मैं बीच बीच में इसको चलाती रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो खीर कुछ इस तरीके से हो चुका है,
और इसको मैं इसी तरह चलाते रही हूँ बीच बीच में, और दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और चावल भी पक चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट में ली हूँ बादाम, जो कि मैंने बारीक कट कर लिया था, आप देख सकते हो। और उसके बाद इसमें डालूँगी मखाने, मखाने भी मैं इसमें ढेर सारा डाल दी हूँ। और इसमें डालूँगी किशमिश, आप देख सकते हो यहाँ मैंने किशमिश भी लिया है। और किशमिश डालने के बाद हमारे पास कुछ गरी के बुरादे थे, मैं उसको भी 2 चम्मच के करीब डाल दूँगी, तो गरी के बुरादे, और 2 से 3 इलायची कुटी हुई। और आप देख सकते हो यहाँ खीर कुछ इस तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ड्राई फ्रूट को, आप देख सकते हो यहाँ मैं खीर में मिक्स कर ली हूँ। और आप इसको बिना ड्राई फ्रूट के भी, चावल और दूध से भी, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के भी खीर बना सकते हो, बहुत ही अच्छा बनेगा। और हमारे पास जितना ड्राई फ्रूट अवेलेबल था मैं उतना ही डाली हूँ, तो मेरे पास जितना घर पे था। और आप देख सकते हो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी अच्छे से। तो चलिए इसको चलाने के बाद मैं 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। यहाँ ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं 4 चम्मच चीनी डाल दी हूँ, और यहाँ मैं चीनी डालने के बाद इसको ढक दूंगी 5 मिनट तक और गैस को ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा फाइनल खीर बनके तैयार हो चुका है। अब पूरे इसमें टाइम लगे हैं 30 से 35 मिनट के करीब। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ खीर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी खीर बनके तैयार हो चुकी है। और उसके बाद मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे कटे हुए, जो मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दी हूँ। और ये रहा मेरा महाशिवरात्रि स्पेशल खीर। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग ज़रूर यहाँ फाइनली मैं खीर वगैरह बना के आ चुकी हूँ, और इस खीर का मैं शाम को भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और यहाँ मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो चलिए मैं उसको फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत जो बर्तन था मैं धुल चुकी हूँ, और यहाँ आ चुकी हूँ मैं छत पे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ धूप भी है, हवा चल रही है अच्छी वाली। तो चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर बाद। यहाँ फाइनली शाम हो चुका था और टाइम हो रहे हैं 7 बज रहा है शाम के। यहाँ मैं शाम का पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इधर अब तो मेरा शाम का पूजा हो चुका है, अभी मुझे बनाना है डिनर। तो आज मैं डिनर में बनाऊंगी, बिना खीर तो बना ही दिया है आप लोग को, आप लोग के साथ पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मैं खीर को साफ़ सुथरा बना के साइड में रख दी हूँ, और अभी मुझे बनाना है डिनर। तो चलिए मैं डिनर का प्रिपरेशन करती हूँ शाम का। पे एक तरफ मैं दाल रख दी हूँ और दूसरे तरफ सब्जी आलू और भुजिया की हो रही है। मैं भोग लगा देती हूँ भगवान जी को, और यहाँ मैं खीर निकाल देती हूँ। जा रही हूँ भोग लगाने,
क्योंकि भोग अभी आप देख रहे हो यहाँ खीर निकाल रही हूँ और जा रही हूँ भोग लगाने, और शाम के 8 बजे रहे हैं, तो चलिए मैं भोग लगा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने फाइनली भगवान जी को भोग वगैरह लगा दी हूँ, तो चलिए उसके बाद मैं डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली मेरा खाना पीना हो चुका है और मैं बर्तन वगैरह भी धुल चुकी हूँ, और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।